दोस्तों, एक फाइटर जेट में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पायलट्स के पास में एक सीट इजेक्शन सिस्टम का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से फाइटर पायलट्स की जान कई बार बची है। लेकिन आखिर इस सिस्टम को हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल क्यों नहीं किया जाता? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेलीकॉप्टर के राउटर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड पर घूमते हैं, लगभग 200 से 500 रोटेशन पर मिनट। ऐसे में सीट इजेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये राउटर्स घूम रहे हों। हालांकि रशियन मेड हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर ने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर दिया है। बेसिकली इसमें राउटर के अंदर एक्सप्लोजिव लगे होते हैं, जिनसे राउटर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर सीट को इजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन इंजीनियर्स ने ये सब देख के कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की डिजाइन है, क्योंकि कल को राउटर ब्लेड डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो पायलट बहुत ही ज्यादा भयानक मौत मर सकता है। वैसे आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।